स्पाइडर चोर मुंबई शहर में काफी एक्टिव था। रात होते ही वो स्पाइडर का नकाब पहन के मुंबई शहर में घूमने लगता था। उसके चोरी करने का अंदाज भी अलग था। वो नीचे के घरों में चोरी नहीं करता था, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर्स में चोरियां करता था। वो नीचे से रस्सी फेंकता था और फिर उस रस्सी के सहारे चढ़कर घर में घुस जाता था। वहां से कैश और ज्वेलरियां उठाता था और एक स्पाइडर मार्क वहां छोड़ देता था। उस पे कुछ नंबर भी लिख देता था, फिर रस्सी से नीचे उतर के भाग जाता था। रस्सी भी वहीं छोड़ देता था। दिन में वो मुंबई की भीड़ में नॉर्मल इंसानों जैसा घुमा करता था। किसी को पता नहीं चलता था कि स्पाइडर चोर कौन है। पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पा रही थी। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल तीन चीजें ऑब्जर्व करता है। पहला तो वो कभी सेम फ्लोर वाले घर पे चोरी नहीं करता है, कोई पैटर्न फॉलो करता है। दूसरा, वो स्पाइडर मार्क छोड़ के जाता है, उसमें कोई मैप रहता है, लेकिन ये मैप क्या है। तीसरा, वो हमेशा खाली घरों में चोरी करता है जहां ओनर ना हो। सवाल ये था कि उसे कैसे समझ जाता है कि कौन सा घर खाली है। मतलब हो सकता है वो बिल्डिंग में किसी की हेल्प लेता हो। मेहुल दो मेड और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर मेरा काम तो यहाँ सिक्योरिटी देना है, मैं क्यों बताऊंगा चोर को। हाँ सर, एक आदमी आया था एक दिन, मूछ वाला, खाली फ्लैट्स के बारे में पूछ रहा था। मेड कहती है, सर हम काम करने वाले लोग हैं, हम क्यों मदद करेंगे उसकी। मैं तो तीसरे फ्लोर पे काम करती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि फोर्थ फ्लोर में कौन सा मकान खाली है। दूसरी मेड कहती है, सर मैं तो चौथे फ्लोर पे ही काम करती हूँ, चोरी वाले घर पे ही काम करती हूँ। सर घर पे नहीं थे, घर लॉक था तो मैं इस तरफ आई ही नहीं। मेहुल तीनों की बातें सुनके तुरंत समझ जाता है कि चोर से कौन मिला हुआ है। अगर आपको सोचने के लिए समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। मेड टू को कैसे पता चला कि फोर्थ फ्लोर खाली था और उसमें चोरी हुई है, मतलब उसी ने चोर को बताया होगा। मेहुल उससे और पूछताछ करता है तो वो बताती है कि उसने चोर को बताया था, चोर ने उसे 10,000 रुपए दिए थे ये बताने के लिए, एक मूछ वाला आदमी आया था उससे पूछने के लिए। इंटरेस्टिंग। ऐसे ही मेहुल को सब मेड सिक्योरिटी वाले मिलते हैं जो पैसे के लिए उसकी मदद करते हैं, और चोर सबको 10,000 रुपए देता है। हर सोसाइटी में चोर को कोई ना कोई मिल ही जाता है। अब मेहुल के सामने समस्या ये थी कि चोर के बारे में सब अलग अलग बता रहे थे। कोई कहता था उसे मूछ है, कोई कहता था उसे मूछ नहीं है, कोई कहता है उसे दाढ़ी है तो कोई कहता है उसे दाढ़ी नहीं है। मेहुल समझ जाता है कि चोर भेष बदल के चोरी कर रहा है। अब सवाल ये था कि चोर को पकड़ा कैसे जाए। मेहुल चोरी हुए फ्लैट का पैटर्न और वेब पे बने हुए नक्शे को ध्यान से देखने की कोशिश करता है तो उसे एक मिलता जुलता पैटर्न मिलता है। फ्लैट नंबर और मैप के नंबर मिला के अगली चोरी का एरिया बनाते हैं। जैसे अगर फ्लैट नंबर 2 है और मैप पे 6 बना हुआ है तो अगली चोरी 32 में होगी। अगर फ्लैट नंबर 3 है और मैप पे 6 बना हुआ है तो अगली चोरी एरिया नंबर 27 में होगी। मेहुल इस पैटर्न को पेपर पे लिखता है समझने के लिए कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। क्या आप इस पैटर्न को देख के बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेकेंड नंबर का स्क्वायर माइनस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आंसर है। जैसे फर्स्ट में 6 square 36 है और 2 square 4, तो 36 minus 4 हो जाएगा 32। वैसे ही लास्ट में 7 square है 49 और 6 square है 36, तो 49 minus 36 हो जाएगा 13। मतलब अगली चोरी एरिया नंबर 13 में होने वाली है। मेहुल उस एरिया में पहले से पहुंच जाता है और चोर का इंतजार करने लगता है। एरिया काफी बड़ा है तो मेहुल हर गली और हर बिल्डिंग को अपने बाइक से देखता रहता है। तभी मेहुल को एक बिल्डिंग पे रस्सी लटकते हुए दिखती है। मेहुल समझ जाता है कि चोर यहीं होगा। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के अंदर दौड़ता है, लेकिन चोर बहुत तेज था। मेहुल को देख वो रस्सी से नीचे उतर जाता है और वहां से भाग जाता है। मेहुल भी नीचे आता है लेकिन चोर को नहीं पकड़ पाता। मेहुल तुरंत ऊपर जाता है और क्लूज को वापस देखता है। इस बार क्लू कुछ डिफरेंट था। क्या आप इस क्लू को देख के बता सकते हैं कौन से एरिया में अगली चोरी होने वाली है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
ये नंबर्स हाफ है और पूरे नंबर्स के लिए आपको इनका रिफ्लेक्शन देखना होगा। ये क्लू देखिए, और अगर आप इनका रिफ्लेक्शन करके ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 308। मेहुल पहले से एरिया नंबर 308 में पहुंच जाता है और जितने घर खाली रहते हैं उनके विंडोज पे सेंसर्स लगा देता है। रात होते ही स्पाइडर चोर वहां पहुंच जाता है। घरों को देख उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो इस बार वो कुछ डिफरेंट तरीके से चोरी करता है। वो रस्सी सीधे टेरेस पे फेंकता है और टेरेस के थ्रू घर के डोर तक पहुंच जाता है। डोर लॉक्ड रहता है। क्या आप इस डोर को देख के बता सकते हैं डोर को ओपन करने का कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कोड हो जाएगा 4। नंबर को ऐड कीजिए और फिर उसको हाफ कर दीजिए। जैसे 8+8 है 16 और 16 का हाफ है 8, 4+6 है 10 और 10 का हाफ है 5, वैसे ही 2+6 है 8 और उसका हाफ हो जाएगा 4। चोर दरवाजा खोल के अंदर जाता है, चोरी करता है, नेक्स्ट क्लू छोड़ता है और टेरेस के रास्ते से रस्सी से नीचे उतरकर भाग जाता है। और यहाँ मेहुल चोर का इंतजार ही करता रहता है। थोड़ी देर बाद मेहुल का रोप पे ध्यान जाता है, मतलब चोरी हो गई है। चोर बड़ा शातिर है, इसको पकड़ने के लिए कुछ डिफरेंट आइडिया सोचना पड़ेगा। मेहुल वापस चोर का नेक्स्ट क्लू देखता है। क्या आप नेक्स्ट क्लू देख के बता सकते हैं चोर का अगला एरिया कौन सा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्लू काफी सिंपल है, एप्पल और ऑरेंज बने हुए हैं। तो बेसिकली रूम में आपको एप्पल और ऑरेंजेस काउंट करने हैं। रूम में 7 एप्पल्स है और 8 ऑरेंजेस है, मतलब नेक्स्ट चोरी एरिया नंबर 78 में होने वाली है। मेहुल पहले से वहां पहुंच जाता है। एरिया 78 बहुत बड़ा है और वहां बहुत सारे घर हैं जो खाली है। अब मेहुल को कैसे समझेगा कि चोर कौन से घर में आने वाला है और मेहुल कैसे चोर को पकड़ेगा? तो लॉजिकल आर्मी, आप सोचिए और मुझे इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। बेस्ट कमेंट को मैं पिन करूंगा। इसका जवाब हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी उसे अंदर से आवाज आती है, अगर गुफा से बाहर आना है तो इन 4 बटन्स में से कोई बटन प्रेस करना होगा। कौन सी बटन प्रेस करनी है उसके लिए हिंट भी दिया हुआ है, सोचो और सही बटन प्रेस करो। तो लॉजिकल आर्मी, आपको सोचना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा और वही बटन गुफा से बाहर जाने के लिए होगा। ये एक अच्छा सवाल है। तो समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए मेहुल को कौन सा बटन प्रेस करना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न अल्टरनेट है। पहला एक नॉन लिविंग थिंग है और दूसरा लिविंग थिंग है। जैसे पहली चीज में जान नहीं है तो दूसरे में है, तो पहले तीसरे और पांचवे में जान नहीं है तो सातवें में भी जान नहीं रहेगी, और चारों बटन्स में सिर्फ कॉइन वाला बटन ही ऐसा है जिसमें जान नहीं है। मेहुल कॉइन वाला बटन प्रेस करता है तो दरवाजा खुल जाता है। इतनी मस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार एक बॉडी बिल्डर मेहुल को चैलेंज करता है कि वो उसको कोई भी चीज में हरा सकता है। तो मेहुल और बॉडी बिल्डर एक टैंक में पानी भरने का कंपटीशन करते हैं, जिसमें उन्हें बकेट की हेल्प से पानी भरना है। दोनों को बकेट चुनने का ऑप्शन मिलता है। एक बकेट बड़ी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर की, और दो बकेट छोटी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। हाइट सेम है। बॉडी बिल्डर दो बकेट चुनता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पानी ले सके, और मेहुल बड़ी वाली एक बकेट चुनता है। दोनों पानी भरना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मेहुल 6 बकेट पानी डाल देता है और बॉडी बिल्डर 9 बार पानी डालता है दोनों बकेट से। अब सोचिए और मुझे बताएं किसने ज्यादा पानी भरा है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर सिंपल है, मेहुल ने ज्यादा पानी डाला है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच तो सेम है, मतलब आर स्क्वायर डिसाइड करेगा कौन ज्यादा पानी भरेगा। मेहुल के पास 10 सेंटीमीटर की बकेट है,
तो 10 स्क्वायर हो जाएगा 100। बॉडी बिल्डर के पास 5 सेंटीमीटर की बकेट है, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 50। मतलब समझ लीजिए मेहुल ऑलमोस्ट डबल पानी भरेगा। तो ऑब्वियस है 6 बार में मेहुल 9 बार से ज्यादा पानी भरेगा। तो लॉजिकल आर्मी, इसलिए मैथ्स पे ध्यान देना भी जरूरी है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।